आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। ऐतिहासिक लोकतंत्र का नया मंदिर आज राष्ट्र को समर्पित होगा। लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत का उद्घाटन रविवार को होगा। समारोह की शुरुआत सुबह हवन और सर्वधर्म प्रार्थना के साथ होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 25 दल शामिल होंगे, 20 विपक्षी दल नहीं पहुंचेंगे। घुड़दौड़ी कॉलेज के निदेशक और विभागाध्यक्ष पर केस। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट की मौत के मामले में पुलिस ने कॉलेज के निदेशक और विभागाध्यक्ष पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मुकदमा दर्ज किया है। 2 साल में देंगे 1.5 लाख से ज़्यादा को रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में उत्तराखंड के योगदान का खाका नीति आयोग के समक्ष पेश किया। सीएम ने कहा कि 2 साल के भीतर अकेले कृषि बागवानी सेक्टर मानसखंड मंदिर माला मिशन में ही 1.5 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राज्य के विभिन्न सेक्टर में 40,000 करोड़ रुपये का निवेश भी संभावित है। इससे भी राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 29-30 मई को फिर अंधड़ और ओलावृष्टि। उत्तराखंड में रविवार को मौसम से राहत की उम्मीद है, हालांकि 29 और 30 मई को मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 मई को राज्य में कहीं कहीं हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। 28 के लिए किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है, जबकि 29 और 30 मई को राज्य के ज़्यादातर इलाकों में बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने दोनों दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम में बाहर न निकलने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में मई महीने में शनिवार सुबह तक 85.3 mm बारिश दर्ज की गई। यह सामान्य से 53% अधिक है। कुमाऊं में जमकर बारिश, तो कुमाऊं मंडल में शनिवार को अच्छी बारिश हुई। नैनीताल में 26.5, जूलकोट में 15, भीमताल में 9.5, रामनगर में 7.5 और सल्ट में 6 mm बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में MBBS बॉन्ड व्यवस्था खत्म होगी। तो उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजों में MBBS में बॉन्ड व्यवस्था खत्म होगी। PG में 3 साल का बॉन्ड होगा, उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। 2 साल मेडिकल कॉलेज और 1 साल जिला अस्पतालों में PG डॉक्टर सेवा देंगे। दोनों अस्पताल में क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने यह बात कही। राज्य बढ़ते हैं तो बढ़ता है भारत। वित्तीय मामले में विवेकपूर्ण निर्णय ले सरकार। तो नीति आयोग की बैठक, PM मोदी ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करने की अपील की। 2 साल में 1 लाख को रोजगार देंगे। चारधाम यात्रा रोज 60,000 पंजीकरण, तो चारधाम यात्रा के लिए एक दिन में औसतन 60,000 के करीब पंजीकरण कर रहे हैं। कुल पंजीकरण का आंकड़ा 40 लाख पार पहुंचने वाला है। शनिवार को शाम 7 बजे तक चारों धामों के लिए 55,000 पंजीकरण हो चुके थे, जबकि शुक्रवार को 60,000 से अधिक पंजीकरण हुए। देश को आज नए संसद भवन की सौगात। अधीनम के पुजारी ने PM को सौंपा राजदंड। 10 जून को उत्तराखंड पहुंचेगी पेंशन रथ यात्रा। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन संगठन की ओर से 1 जून को चंपारण बिहार से शुरू होने वाली पेंशन रथ यात्रा 10 जून को उत्तराखंड पहुंचेगी। चारधाम 55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मी नहीं करेंगे ड्यूटी। तो 55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मियों को चारधाम यात्रा ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। उत्तरकाशी चमोली के जिला आबकारी अधिकारी निलंबित। तो शराब की दुकानों का कायदे से आवंटन न करने और बकाया राजस्व वसूली में हीलावाली के आरोप में शासन ने उत्तरकाशी और चमोली के जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दून के बाद अब दिल्ली से होगा समान नागरिक संहिता पर संवाद। 35 से अधिक खाली पदों पर जल्द पदोन्नति की मांग। तो उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने ऊर्जा निगम में 35 से अधिक खाली पदों पर सहायक अभियंता व अवर अभियंता को पदोन्नति देने की मांग की है। जल्द ही देहरादून में 283.61 करोड़ से बनेगा वनस्पति उद्यान। उत्तराखंड बोर्ड के मेधावियों को गवर्नर्स अवार्ड देने की तैयारी। तो उत्तराखंड बोर्ड के मेधावी छात्रों को 3 साल बाद इस साल गवर्नर्स अवार्ड दिए जाने की तैयारी है। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के हाथों प्रदेश के होरहारों को सम्मानित किया जाएगा। गर्भावस्था में भी अवकाश के लिए किया गया था मनीषा को परेशान। तो इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी के असिस्टेंट प्रोफेसर मनीषा भट्ट की आत्महत्या मामले में
हटाए गए निदेशक डॉक्टर वाई सिंह और विभागाध्यक्ष ए के गौतम पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। मनीषा के पति की शिकायत के आधार पर डीएम ने जो रिपोर्ट शासन को भेजी है उसमें कहा गया है कि मनीषा की नियुक्ति के बाद से ही उसका मानसिक उत्पीड़न हो रहा था, उन्हें गर्भावस्था के दौरान भी छुट्टी के लिए परेशान किया गया। यह कहा गया कि प्रसव अवकाश तभी मंजूर होगा जब वह वैकल्पिक प्रोफेसर की व्यवस्था कराएंगी। एक एक इंच अतिक्रमित जमीन वापस लेगी सरकार। समलैंगिक विभाग विवाह व लिव इन विदेशी षड्यंत्रों की टूल किट। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से सिलसिलेवार पूछे 9 सवाल। हादसे में दंपति की मौत, चंबा टिहरी से खबर आई है। टिहरी जिले में वाहन दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार पुरान 11:30 बजे एक कार गजाखाड़ी मोटर मार्ग पर बंगोपानी के समीप अनियंत्रित होकर लगभग 500 मीटर खाई में जा गिरी। कार में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग भलियाल पानी गाँव से दिल्ली स्थित अपने घर जा रहे थे। दो बच्चों के अपहरण का आरोपी पकड़ा गया। तो घर के बाहर खेल रहे दो बच्चों का दिन दहाड़े अपहरण करके भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और धुनाई कर दी। वीआईपी दर्शन में 25 लाख की हुई कमाई। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में वीआईपी श्रद्धालुओं से अब तक बीकेटीसी ने करीब 25 लाख रुपए कमाए हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा फिर हुई शुरू। 1484 यात्री पहुंचे। तो दो दिन से रुकी हेमकुंड साहिब की तीर्थयात्रा मौसम सामान्य होने पर फिर से शुरू हो गई है। सैकड़ों तीर्थयात्री गोविंद घाट और घांगरिया में यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को यात्रा शुरू हुई तो घांगरिया से हेमकुंड साहिब करीब 1484 तीर्थयात्री पहुँचे और मत्था टेका। हार्ट अटैक से दो और यात्रियों की मौत। यमुनोत्री धाम की यात्रा में आए गुजरात और गुप्तकाशी में राजस्थान से आए यात्री की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। संस्कृति और आधुनिक सपनों का संगम। तो 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखी थी। यात्रा रूट पर होम स्टे के नाम पर चल रहे हैं होटल। दून में ऑटो संचालन के लिए 3 कॉरिडोर बनाए। तो शहर में अब एक ही जगह ऑटो का जमावड़ा नज़र नहीं आएगा। संभागीय परिवहन विभाग ने ऑटो संचालन के लिए 3 कॉरिडोर बना दिए हैं। राजपुर रोड और रेस कोर्स में बनेंगे साइकिल ट्रैक। तो दून नगर निगम प्रबंधक मसूरी विधानसभा क्षेत्र में रायपुर वार्ड और रेस कोर्स में 2 साइकिल ट्रैक बनवाने की तैयारी है। मसूरी में वीकेंड पर उमड़े पर्यटक जाम से मुसीबत। तो वीकेंड पर मसूरी के लिए पर्यटकों की खूब भीड़ रही। दून से मसूरी के लिए पर्यटकों को समय पर बसें नहीं मिल पाई। बस अड्डे का घंटों तक इंतजार करना पड़ा। पेपर लीक के आरोपी मंडाल की संपत्ति कुर्क। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले के आरोपी चंदन मंडराल के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम नैनीताल के आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने शनिवार को मंडराल का स्टोन क्रशर सील कर दिया। लखनपुर स्थित मंडराल के 2 मकान कुर्क कर दिए, जबकि 3 करोड़ रुपए कीमत के प्लॉट बंधक बना लिए गए हैं। डॉक्टर व नर्सिंग अफसर विवाद की जाँच में सीएमओ का इनकार। तो सीएमओ ने डीजी हेल्थ को पत्र लिख स्थिति की जानकारी दी। डीएलएड प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। तो द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र के 4 सेट की उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट www.upsc.uk.gov.in पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति हो तो वे 9 जून तक प्रत्यावेदन कर सकते हैं। श्रीनगर में ही सीयूईटी होने की उम्मीद। सीयूईटी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक 2023 के एचएनबी केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में होने की संभावना है। हालांकि आगामी कुछ दिनों की परीक्षा एनटीए ने तय कर दी है, लेकिन गढ़वाल विश्वविद्यालय को उम्मीद है कि 30 के बाद होने वाले सीयूईटी के लिए छात्रों को श्रीनगर केंद्र आवंटित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा के आयुक्त निदेशक ने किया निरीक्षण। तो उत्तराखंड उच्च शिक्षा के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर एएस उनियाल ने राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग का औचक निरीक्षण किया।
खाली सीटों पर स्थानीय छात्रों को वरीयता देने की मांग। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीजीआर परिसर के पूर्व छात्र संघ सचिव गोपाल नेगी ने सीयूटी प्रवेश परीक्षा के बाद भी स्नातक व परस्नातक स्तर पर खाली रहने वाली सीटों पर प्रवेश में स्थानीय लोगों को वरीयता देने की मांग की। कंपार्टमेंट वाले स्कूल ही कंपार्टमेंट वाले छात्र ही आएंगे स्कूल। टिहरी जिले के 11 अटल उत्कृष्ट स्कूलों में गर्मी की छुट्टी के बाद भी विद्यालय खुले हैं। शनिवार को इन स्कूल में वही छात्र आएंगे जिनकी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में कंपार्टमेंट आई है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर तो आरटीबीपी में कई पदों पर निकली भर्ती, तो 81 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 डिप्टी मैनेजर सीनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 240 ऑफिसर मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए अभ्यर्थी 11 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी परीक्षा आज वन वे यातायात व्यवस्था रहेगी। तो एसएसपी रामचंद्र राजगुरु ने माल रोड पर रविवार को लागू वन वे व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन किया। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में आयोजन तक रविवार को माल रोड पर वन वे व्यवस्था लागू रखने के निर्देश दिए हैं। एमपीजी कॉलेज में छात्रों के साथ झूमे गणेश जोशी। तो एमपीजी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ सम्मान समारोह में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान लोक गायिका रेशमा शाह के गीतों पर छात्रों के साथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी जमकर झूमे। शिक्षकों संघ छात्रों ने किया रक्तदान। स्कूल को एक सप्ताह में देना होगा जवाब। तो स्कूल में बच्चों को नमाज अदा करने, सफ़ेद टोपी पहनाने समेत विभिन्न आरोपों से घिरे इंदिरा नगर स्थित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल प्रबंधक को इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर शिक्षा विभाग को जवाब देना होगा। गर्मियों की छुट्टियों में भी बिना किताब के होगी पढ़ाई। तो शिक्षा विभाग की ओर से 2 महीने बाद भी सभी कक्षाओं के बच्चों को निःशुल्क मिलने वाली किताबें नहीं मिल पाई। अब गर्मियों की छुट्टियों में भी छात्रों को बिना किताबों के पढ़ाई करनी होगी, जबकि किताबें न होने से शिक्षकों ने छुट्टियों के लिए भी ज़्यादा काम नहीं दिया है। कक्षा एक के बच्चों के लिए ज़्यादा दिक्कत, किताब लेने के लिए दौड़ लगा रहे शिक्षक। तो ब्लॉक कार्यालय से किताब लेने के लिए शिक्षक दौड़ लगाते हैं। मुख्यमंत्री धामी बोले उत्तराखंड को मिले ग्रीन बोनस। तो नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसलिंग में शामिल हुए धामी। नकल माफिया मंडल की 6 संपत्तियां कुर्क हुई। प्रेमी संग मिलकर दी पति की हत्या की सुपारी। तो प्रेम प्रसंग का पता चला तो पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के लिए 2 शूटरों को 1,00,000 रुपए की सुपारी दे दी। शूटरों को 80,000 रुपए की पेशगी भी दे दी। पुलिस ने आरोपित पत्नी सहित उसके प्रेमी व दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। दवा के लिए निजी दुकान पर दौड़ा रहे डॉक्टर। तो सीमांत जनपद में दवाओं पर कमीशन के चक्कर में रोगियों को निजी दुकानों पर दौड़ाया जा रहा है। कार का स्टीयरिंग लॉक, 4 घायल। तो पिथौरागढ़ से हल्द्वानी की ओर जा रही कार का बाराकोट के पास स्टीयरिंग लॉक हो गया। अनियंत्रित होकर कार NH किनारे दीवार से टकरा गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मानक तोड़ने वाले प्रतिष्ठानों पर जुर्माना। तो दून में खुले नालों में कर रहे गंदे पानी की निकासी। छात्रों को वर्चुअल क्लास से कंपार्टमेंट परीक्षा की तैयारी। तो अटल उत्कृष्ट में कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों की सहायता उनके विषय शिक्षक तो करेंगे ही। दून स्थित सेंट्रल ऑनलाइन स्टूडियो से भी ऑनलाइन क्लास भी चलाई जाएगी। प्रोफेसर की आत्महत्या में घुड़दौड़ी। कॉलेज के निदेशक HOD हटाए गए। मसूरी कॉलेज में छात्र संघ समारोह में नाचे मंत्री जोशी। आज 50 से अधिक कॉलोनियों में शटडाउन। तो दून में रविवार को राजभवन और CM हाउस के साथ 50 से अधिक कॉलोनियों में आंशिक या पूरी तरह बिजली गुल रहेगी। गोवा से दून जाने वाले पहले विमान में सासा सह पायलट। तो गोवा से देहरादून को जोड़ने वाली पहली उड़ान सह पायलट सासा सह दाना के लिए एक यादगार क्षण में बदल गई। DIT में नर्सिंग कोर्स भी 9 जून तक होंगे पंजीकरण। तो दून की DIT यूनिवर्सिटी में इस बार BSc नर्सिंग कोर्स में भी दाखिले होंगे। इसके लिए 11 जून को काउंसलिंग होगी, जबकि प्रवेश के लिए पंजीकरण 9 जून तक होंगे।
उत्तराखंड में महिला हेल्प डेस्क में आए आधे से ज़्यादा मामले झूठे, तो पुलिस विभाग ने महिलाओं की शिकायत को त्वरित निस्तारण के लिए गौरव शक्ति योजना शुरू की। इसमें महिलाओं की शिकायत महिला हेल्प डेस्क के जरिए सुनी जा रही है, लेकिन यहां दर्ज होने वाली 62% शिकायतें पुलिस जाँच में आधारहीन निकल रही हैं। समुदाय विशेष के व्यापारियों को पुरोला छोड़ने की चेतावनी, तो पुरोला नगर क्षेत्र में गत शुक्रवार को नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर भगाने के आरोप में गिरफ्तार विशेष समुदाय के युवाओं के खिलाफ शनिवार को पुरोला नगर क्षेत्र में आक्रोशित स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। सामाजिक संगठनों और व्यापारियों ने व्यापारिक संस्थान बंद कर जुलूस प्रदर्शन किया। नगर क्षेत्र में व्यापार की आड़ में चल रहे नशाखोरी, शादी का झांसा देकर युवतियों को भगाने वाले बाहरी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। असली हरकत के आरोप में शिक्षक गिरफ्तार, तो सीमांत में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की एक छात्रा ने अपने विद्यालय के ही शिक्षक पर अश्लील हरकत करने और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। कार हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। बागेश्वर उपचुनाव के लिए सरगर्मियां शुरू हुई। वहीं खबर है बागेश्वर से चरस तस्करी के आरोपी को 5 साल की कठोर सजा हुई। गड़ी कैंट में कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में लाइसेंस फीस लेने की तैयारी है, तो गड़ी छावनी परिषद क्षेत्र में आने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर वार्षिक लाइसेंस फीस लगाने की तैयारी की गई। मेडिकल कॉलेज में छात्रों में हेपेटाइटिस ए की पुष्टि हुई। पद खाली फिर भी प्रमोशन नहीं, तो उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएशन ने प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर विशेषज्ञों ने जताई चिंता। विद्या मंदिर में धूमधाम से मना वार्षिकोत्सव, तो नैनीताल से खबर आई है। ट्रक की टक्कर में बाइक सवार युवती की मौत, तो सिरसा फार्म के पास बाइक सवार भाई बहन को ट्रक ने टक्कर मार दी। देवभूमि टैक्स बार एसोसिएशन के मुख्य अध्यक्ष राजीव महासचिव बने। प्रेमनगर में संस्थान के 6 छात्रों पर मुकदमा दर्ज किया गया। 42 किलो टोडा पोस्ट के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। सहधारा घूमने आए पर्यटक के जेवर नकदी और मोबाइल चोरी, तो सहधारा घूमने आए पर्यटक के जेवर नकदी और मोबाइल चोरी हो गए। उन्होंने एक रेस्टोरेंट के लॉकर किराए पर लेकर सामान रखवाया था। राजपुर पुलिस ने आरोपी रेस्टोरेंट मालिक पर मुकदमा दर्ज किया है। 1.25 करोड़ के जमीन फर्जीवाड़े का आरोपी पकड़ा गया। 1.5 घंटे में नाले का अतिक्रमण ध्वस्त, तो सिटी मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। पिथौरागढ़ के इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत, तो चचेरी बहन की शादी समारोह में शामिल होने जा रहे गंगोलीहाट के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत हो गई। महिला की मौत पर डंपर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो हल्द्वानी से खबर रही है। कुमाऊं कमिश्नर ने प्रॉपर्टी डीलर से फरियादी को 1.60 लाख दिलाए, तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार में फरियादी की शिकायत पर प्रॉपर्टी डीलर से 1.60 लाख रुपए दिलाए। उन्होंने कहा कि मंडल में लैंड फ्रॉड के मामले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खोदी सड़कों को 15 दिन के भीतर दुरुस्त करें। नैनीताल में भीड़ बढ़ी, तो रूसी बाईपास पर रोके गए वाहन, तो वीकेंड पर नैनीताल आने वाले पर्यटक वाहनों की भीड़ बढ़ने के कारण शहर में सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रही। पहाड़ों में 38 सीटर बसें दौड़ाने की तैयारी, तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों के रूटों पर 38 सीटों वाली बसें दौड़ाने की तैयारी चल रही है। तो इन रूटों पर किया जा रहा ट्रायल, तो अल्मोड़ा से रानीखेत, अल्मोड़ा से भनौली, रानीखेत से मासी, अल्मोड़ा से थल, अल्मोड़ा से बागेश्वर बाया ताकुला, अल्मोड़ा से बागेश्वर बाया कोसानी। 2500 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा हुआ। दून के होटल में युवक की संदिग्ध हालत में मौत, दून के होटल में एक युवक संदिग्ध हालत में मृत मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए रखवा लिया। भट्टाचार्य से निपटने को कई मुद्दों पर सहमति बनी। भट्टाचार्य से निपटने की राह आसान होगी, आम लोगों तक पहुंचाएं योजनाएं। तो ताड़ीखेत में भाजपा विधानसभा क्षेत्र सम्मेलन में पूर्व दर्जा मंत्री गजराज बिष्ट ने अपील की। 30 मई से होगा भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान। ट्रांसफार्मर में धमाका, घरों के उपकरण फूके, तो बागेश्वर से खबर आई है।
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 5 साल और बढ़ाएं, MBBS में के लिए बॉन्ड व्यवस्था ख़त्म होगी। पुरोला के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के प्रदर्शन किया गया। वहीं खबर है, पौड़ी से नाबालिग को भगा कर ले जाने का आरोपी धरा, तो पेठानी पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगा कर ले जाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पौड़ी में दुराचार का आरोपी गिरफ्तार किया गया। टिहरी में कार हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। प्रोफेसर प्रकरण में महिला आयोग सख्त हुआ। 9 गाँव में पागल कुत्ते ने 8 लोगों को काटा, 2 बच्चे देहरादून रेफर। तो नौगांव बाजार में शनिवार सुबह एक पागल कुत्ते ने 5 वर्षीय 3 बच्चे समेत 8 लोगों को काट दिया। इस क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पागल कुत्ते के हमले में बुरी तरह घायल 2 बच्चों को देहरादून रेफर किया गया। गुस्साए लोगों ने पागल कुत्ते को लाठी डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया। रेस्टोरेंट गंगा नाली में तोड़फोड़ की गई। पछवा दून में नेहरू की पुण्यतिथि फूले। कांग्रेसी तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पछवा दून में कांग्रेसी उन्हें नमन करना भी भूल गए। इस दौरान पूरे दिन भर कांग्रेस कार्यालय ऐतिहासिक तिलक भवन पर ताला लटका रहा। जयकारों के बीच मंदिर में विराजी रेणुका माता। त्यूनी में बासिक महाराज की देव पालकी निकाली गई। वहीं खबर है, विकास नगर से स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डांटा मार्ग मलवा आने से बंद रहा। मेधावी छात्राओं को पुरस्कार देकर नवाजा गया। खराब रिजल्ट वाले स्कूलों पर शिकंजा कसेगा विभाग। तो पछवा दून जोन सार बाबर के कई स्कूलों का रिजल्ट काफ़ी निराशाजनक रहा। एक इंटर कॉलेज में एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। बेहतर परिणाम नहीं आने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप कुमार ने कहा कि प्रधानाचार्य के साथ प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक विषय के परीक्षा परिणाम की समीक्षा की जाएगी। OROP सेकंड की विसंगतियों के खिलाफ भरी हुंकार। तो दून में गौरव सेनानी एसोसिएशन की बैठक में चर्चा हुई। उत्तराखंड में 2500 गर्भवतियों को प्रसव के लिए नहीं मिला अस्पताल। तो उत्तराखंड को एक नए राज्य के तौर पर अस्तित्व में आए हुए 23 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग यहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ के लिए जूझ रहे हैं। पहाड़ से लेकर सुविधा संपन्न मैदानी इलाकों तक सभी जगह स्थिति एक जैसी ही है। निजी स्कूलों में महंगी किताबें होंगी बंद। तो निजी स्कूलों के खिलाफ चल रहा आंदोलन आश्वासन के बाद समाप्त, कहा पालन नहीं हुआ तो फिर देंगे धरना। साल भर का मेला 2.5 महीने में ही लौटा दी फोर्स। तो पूर्णागिरी मेला, एक तरफ जहां साल भर मेला चलाने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात बाहरी जिलों की कुछ फोर्स लौटा दी गई हैं। वही खबर है, चंपावत से हरियाणा से लाई जा रही शराब पकड़ी। तो पुलिस ने हरियाणा नंबर की फर्जी प्लेट लगी कार से अंग्रेजी शराब की 212 बोतल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारी बारिश से सिलंगिया में पैदल मार्ग बंद हुआ। वही खबर है, पिथौरागढ़ से उच्च हिमालयी क्षेत्र में हिमपात से ठंड बढ़ी। चंपावत में दिन भर छाए रहे बादल। सिलेंडर चोरी करने में युवा का गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज किया गया। चंपावत में लंपी वायरस के प्रकोप से पशुपालक परेशान हैं। SSCI सिक्योरिटी करेगा 350 पदों पर भर्ती। तो सीमांत में रोजगार की राह देख रहे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। SSCI सिक्योरिटी की ओर से जवान, सुपरवाइजर और सुरक्षा अधिकारी के 375 पदों पर भर्ती होनी है। भर्ती में शामिल होने की अर्थात, तो सुरक्षा जवान के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। सुरक्षा अधिकारी के लिए अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता 12वीं पास होनी चाहिए। आयु 21 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऊंचाई 167.5 से 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन न्यूनतम 56 किलोग्राम होना चाहिए। तो ये मिलेगा मानदेय। तो सुरक्षा जवान को 16,000 से 18,000, जबकि सुरक्षा अधिकारी को 18,000 से 22,000 रुपये मिलेंगे। कोविड महामारी के बाद बढ़ा टेलीमेडिसिन सेवा का प्रयोग। सरकारी स्कूलों में कोर्स की अवधि बढ़ी। तो उत्तराखंड में 109 स्कूलों में चल रहे इंग्लिश स्पोकन कोर्स का विस्तार कर दिया गया है। अब यह कोर्स सितंबर तक चलेगा। APD SSA डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छात्र बदल रहे विषय, CBSE चिंतित। तो बड़ी संख्या में 11वीं के बाद छात्रों के विषय बदलने को लेकर के CBSE चिंतित है। बच्चों को किताबें बांटने में कोताही करने वाले अफसरों को हिदायत दी गई।
दून मेडिकल कॉलेज में 3 छात्रों में हेपेटाइटिस की पुष्टि, 10 और बीमार हुए। छात्रा से अश्लील हरकत के आरोप में शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। थराली बाजार के पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद हुई। 400 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क प्रभावित हुआ। वहीं खबर, श्रीनगर से पुलिस ने पीड़ित को हड़पे गए 85,000 रुपये दिलाए। लोकल ट्रांसपोर्ट दुरुस्त होगा तभी संभलेगा ट्रैफिक। तो राजधानी दून की सड़कों पर बेहतासा और बेलगाम दौड़ रहे विक्रम मैजिक ऑटो, ई रिक्शा व सिटी बस। अतिक्रमण हटाने गई टीम का किया विरोध। तो देहरादून से खबर आई, रेडी वालों ने कैंट बोर्ड पर लगाया गाड़ी से सब्जी उतारते समय चालान काटे जाने का आरोप। बच्चों के अपहरण की धमकी देकर कपड़ा व्यापारी से मांगी गई रंगदारी। तो बिजनौर के बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जान बख्श के बदले मांग रहा 5 लाख रुपये। व्यावसायिक पहचानों से 3 लाख रुपए तक फीस वसूलेगा कैंट बोर्ड। तो अभी कैंट बोर्ड में बैंक, पेट्रोल पंप, शराब ठेके, वेडिंग पॉइंट आदि से नहीं ली जाती कोई फीस। होटल के कमरे में मृत मिला युवक, नशे के अधिक सेवन से जताई जा रही मौत की आशंका। यातायात नियम तोड़ने पर अब परिवहन विभाग का बाइक स्क्वाड करेगा चालान। उत्तराखंड में खुलेगी 9 क्रिटिकल केयर यूनिट। रेस्टोरेंट के लॉकर से पर्यटक का लाखों का सामान चोरी हुआ। हसीन वादियों में जल क्रीड़ा के रोमांच में गोते लगा रहे सैलानी। वीकेंड पर मसूरी गुलजार, 80% होटल हुए पैक्ड। तो व्यापारियों के चेहरे खिले, चौराहे पर जाम से पर्यटक हुए परेशान। वहीं खबर, मसूरी से मंत्री जोशी ने अधिकारियों को फटकारा। पंडित नेहरू को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। 5 साल पहले बिछाई लाइन आज तक नहीं पहुंचा पानी। 3 तरह के ट्रैक पर रफ्तार भरेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो 29 मई से नियमित रूप से शुरू होने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 3 तरह से ट्रैक पर दौड़ेगी, यानी ट्रेन की गति 3 बार बदलेगी। आनंद विहार से 110 किलोमीटर प्रति घंटे से सहारनपुर पहुंचेगी, यहां से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से हरिद्वार के लिए दौड़ेगी। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर रफ्तार धीमी होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। 35 से अधिक पदों अधिक खाली पदों पर पदोन्नति की उठाई मांग। हादसे में दंपति की मौत। भलियाल पानी गांव गजा से अपने घर दिल्ली लौट रहे थे। तो टिहरी जिले में वाहन दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रहा है। वही खबर, नई टिहरी से भतवाड़ी में बारिश से मकान क्षतिग्रस्त, आर्थिक सहायता की मांग की गई। जेसीबी खाई में गिरी, 2 लोग घायल। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है, होल्टा गांव में दूसरे दिन भी पसा रहा मातम। तो नेलचामी पट्टी में होल्टा गांव में दूसरे दिन भी मातम पसा रहा। शुक्रवार को हुई कार दुर्घटना में होल्टा गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। व्यापारियों ने किया पुरोला बाजार बंद। तो बाहरी व्यापारियों पर व्यापार मंडल से किया गया निष्कासित, प्रदर्शन कर जाम लगाया। गौशाला तोड़कर गुलदार ने गाय को मार डाला। तो गैरसैंण से खबर आई है, यात्रा रूट पर होम स्टे के नाम पर चल रहे हैं होटल। विवाद से परेशान ग्राम प्रहरी ने जहर खान पीकर दे दी जान। तो प्रताप नगर ब्लॉक में ग्रामगढ़ सिनवाल गांव निवासी ग्राम प्रहरी ने पुलिस थाने के पास एक घर में जहर पीकर मौत को गले लगा लिया। बाइक चलाने के शौक ने 4 नाबालिगों को पहुंचाया थाने। तो तरकासी से खबर रही है, सड़क के लिए तहसील में प्रदर्शन। तो उपराड़ी साड़ा मार्ग की बदहाली से आक्रोशित हैं लोग। CUET की तिथि बदलने की उठाई मांग। तो PG कॉलेज के छात्र संघ प्रतिकारियों ने कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम टेस्ट की तिथि बढ़ाने की मांग की है। हेमकुंड साहिब की यात्रा हुई शुरू, 1484 तीर्थयात्री पहुंचे। VIP ने से BKTC ने कमाए 24 लाख रुपए। चिनूक हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी। तो आज दूसरा पहुंचेगा गोचर से केदारनाथ, पुनर्निर्माण सामग्री ढो रहा है चिनूक। श्रीनगर में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हुई। G20 भ्रष्टाचार रोकने के लिए 3 सिद्धांतों पर सहमति बनी। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए ओणी गांव तैयार। वही खबर, हरिद्वार से 2 पक्षों में चले लाठी डंडे क्रॉस, केस दर्ज किया गया। शराब पिलाने पर ढाबा मालिक पर केस दर्ज किया गया। शिक्षकों से भरी बस पलटी, सभी सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से हरिद्वार आए शिक्षकों की बस वापस लौटते समय चिड़ियापुर चेकपोस्ट के पास ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर के पलट गई। दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा हुई। पैसीनेट जिमखाना क्रिकेट अकेडमी ने जीते लीग मैच।
स्कूल में बनाए 50 छात्रों के प्रमाण पत्र। दिन दहाड़े दो बच्चों का किया अपहरण, युवक को पीट कर पुलिस को सौंपा। वही खबर है, रोशनाबाद से इसमें के साथ पकड़े व्यक्ति को 2.5 साल का कारावास हुआ। स्कूलों में चस्पा होगी शिक्षक कर्मियों की फोटो युक्त प्रोफाइल। तो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए अध्यापकों और कर्मियों की फोटो युक्त प्रोफाइल सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से समस्त सरकारी और सरकारी के साथ ही मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है। आदेशों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। शिक्षकों की योग्यता पर भी नज़र, तो शिक्षा विभाग की ओर से निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता पर भी नज़र रखी गई है। फोटो न देने पर छात्रा का फेल करने की धमकी देने वाले शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर है, ट्रक की चपेट में आने आकर बहन भाई की मौत हो गई। नैनीताल पर्यटकों से गुलजार, लोग जाम से परेशान रहे। कमिश्नर की शक्ति पर अतिक्रमण तोड़ने पहुँचा प्रशासनिक अमला। पहाड़ में 38 सीटर बस दौड़ाने की तैयारी है। लगातार तीसरे साल मई में मेहरबान रहा मौसम। इंजीनियरिंग के हादसे में मौत हो गई। स्कूल गेम्स में खिलाड़ियों ने दिखाए दमखम। लोहाघाट में अनियंत्रित होकर की कार दीवार से टकराई। बंदरों की को आबादी में आने से रुकेंगे फलदार वृक्ष। मोबाइल का प्रयोग उतना ही करें जितना जरूरी हो। मलबा आने से मुनाकोट और सिलंगिया सड़क बंद हुआ। पिथौरागढ़ के आदर्श बने नौसेना में अधिकारी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 3 सिद्धांतों पर सहमति बनी। लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर के वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई। 10 रुपये के स्टाम्प के लिए खर्च कर रहे 500 रुपये। 500 से अधिक पशु लंपी से ग्रसित हुए। बोर्ड परीक्षाओं के मेधावियों को सम्मानित किया गया। तो रानीखेत से खबर आई है, समर कैंप में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा। तो राजकीय आदर्श जूनियर हाई स्कूल ओड़खोली में तीन दिनी समर कैंप शुरू हो गया है। किच्छा में 195 दुकानों पर चला बुलडोजर। खटीमा में सरकारी भूमि से कब्जा हटाया गया। ट्रक की चपेट में